तो देखिए गाइस यहाँ पर भाई आग लग चुकी है इस पेड़ के ऊपर, पीपल का पेड़ है भाई ये कांगड़ा दरबार में। ओ भाई चलो बचाव हो गया भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम है आप सबका हमारी न्यू वीडियो में। तो अभी हम है हिमाचल में और हम यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। तो अभी हम ज्वालाजी टेम्पल के पास रुके हुए हैं रूम पे और टाइम अभी सुबह 5:43 हो चुके हैं। तो सभी उठ चुके हैं फैमिली मेंबर्स, नीचे डैड इधर, मॉम और जैस्मिन तो अभी सो रही है और इधर हमारी सुबह चाय बन रही है गर्मा गर्म पियेंगे, वाइफ बना रही है। तो इधर पड़ी है जैस्मिन अभी और लड्डू हमारा उधर सो रहा है। तो वैसे आज हम जा रहे हैं कांगड़ा देवी और चमुंडा देवी, तो आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहना, जो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको दर्शन कराएंगे आज। और अब मौसम अभी ठंडा है यहाँ पर, तो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपको भाई। चाय पीते हैं और जैस्मिन उठ चुकी है, ये तो अपनी मस्ती लगी करने, नीचे पड़ चुकी है और इधर भी सभी चाय पी रहे हैं। फिर चाय पी थोड़ी देर बाद फिर नहाएंगे, फिर निकलते हैं आगे के लिए। तुझे क्या हुआ भाई, खांसी कर रहा है तू? तो भाई सभी मेंबर नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो अपना बैग भी पैक हो चुका है, तो जा रहे हैं सीधा यहाँ से कांगड़ा और चमुंडा देवी पे। तो ये हमारा रूम था, देख लो एक बार, ये रूम था हमारा और सभी रेडी हैं। चले फिर जयकारा लगा दो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैस्मिन किधर गई? आगे चली गई है, चलते हैं फिर। तो वैसे यहाँ से देखो भाई लाइन स्टार्ट हो चुकी है माता रानी दरबार में जाने के लिए। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत श्रद्धालु पहुँच रहे हैं यहाँ पर और ये यहाँ पर शो बनी हुई है। तो हमारा रूम इधर ही था, यहाँ पर लिया था मैंने बिल्कुल मंदिर के पास, 1000 रुपये में लिया था। तो निकलते फिर गाइस आगे की ओर। जय माता दी, जय माता दी। जैस्मिन और जैस्मिन का आज बर्थडे है, सभी हैप्पी बर्थडे बोल दो उसको, जैस्मिन को हैप्पी बर्थडे टू यू जैस्मिन। और गाइस आज 5वां नवरात्रा है, तो भाई भीड़ बढ़ती जा रही है देखो यहाँ पर। तो करते हैं भाई बाय बाय माता रानी को। तो वैसे अभी आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट है ज्वालामुखी मंदिर का। तो ज्वाला माँ आप सबकी मनोकामना पूरी करे, चढ़ती कला में रखे माता रानी। तो यहाँ पर ये बस स्टैंड बना हुआ है, तो चलते हैं। डैड मोम तो गाड़ी भी पहुँच चुके हैं, जैस्मिन चलो बेटा फिर लेट हो जाएंगे। और ये भाई देखो ले गया ये अपने खिलौने और हमारा लड्डू, राधे राधे लड्डू। तो फाइनली गाइस अपनी गाड़ी पहुंच चुके हैं, तो ये यहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और सामने बस स्टैंड है और उधर माता रानी का मंदिर रहा। तो आपको यहाँ पर 12 घंटे के लिए 70 या 80 रुपये देने पड़ते हैं, तो हमने भाई 9 बजे तक 140 रुपये दिए हैं यहाँ पर गाड़ी पार करने के लिए। तो सामान हमने गाड़ी में रख दिया है, तो बैठो फिर भाई सभी। तो गाइस निकलते हैं फिर कांगड़ा के लिए, तो सभी रेडी हैं, बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो एक बार जयकारा लगा दो, जयकारा शर्म वाली का बोल साचे दरबार की जय। चले फिर भाई चले। चलो फिर गाइस निकलते हैं और टाइम अभी 8 बज चुके हैं। तो गाइस आ गए, छोटी सी टनल आ चुकी है, देखो भाई कैसे बना रखी है, अंधेरा है भाई इसमें, अंदर लाइट भी नहीं है कोई लगा रखी इसमें। और ये सामने टनल से बाहर का व्यू चेक करें गाइस, सामने माउंटेन, हसीन वादियाँ और ऊपर देखो भाई बर्फ पड़ी हुई है माउंटेन्स के ऊपर, वो देखो ऊपर सामने यहाँ से दिख रही होगी आपको। ये आगे ऐसे दिखाएंगे आपको चमंडा से, और ट्रैफिक अभी कमी है रोड के ऊपर सुबह। तो हम यहाँ से अभी 9 बजने वाले हैं, तो 4-5 किलोमीटर रह गया यहाँ से कांगड़ा। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं कांगड़ा मंदिर पे और यहाँ से एंट्री है, तो आगे पार्किंग है, गाड़ी अपनी वहीं पर पार्क करेंगे। और यहाँ से देख लो भाई बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से, तो आपको चमंडा से दिखाएंगे बिल्कुल पास से। तो अभी चलते हैं अंदर यहाँ पर, टाइम अभी 9:12 हो चुके हैं, तो गाड़ी अपनी पार्किंग में लग चुकी है। तो यहाँ पर 3 घंटे के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे आपको, अगर आते हो तो 3 घंटे से ऊपर हुआ तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो मंदिर इधर इधर रहा, चलो फिर करते हैं दर्शन कांगड़ा माता के। जैस्मिन बेटा आओ। तो गाइस यहाँ से रश भाई स्टार्ट हो चुका है, देखो मार्केट में क्राउड बहुत है यहाँ पर भाई, श्रद्धालु जो आ रखे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए।
और यहाँ पर शो बनी हुई है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। और चलिए आगे कराते हैं आपको दर्शन माता रानी के दरबार के। तो गाइस यहाँ पर भाई अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, परौंठे खा लेते हैं भाई एक दो, क्योंकि सुबह से भूख लग रही है भाई, पेट खाली है, फिर खा के निकलेंगे आगे के लिए। तो गाइस हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो भाई जोर से भूख लग रही थी तो निकलते हैं फिर आगे के लिए। जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ से एंट्री है अंदर मंदिर के लिए, तो देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। चलो भाई चलो। जय माता दी, जय माता दी। तो देखो गाइस कितनी भीड़ है भाई, इधर लाइन कटते हैं यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से भाई श्रद्धालु आए हुए हैं माता रानी दर्शन करने के लिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय हो कांगड़े माता की, जिकारा शेरावाली दा। कहाँ से लाइन स्टार्ट है भाई, लाइन भाई किधर स्टार्ट है यहाँ पर, बहुत भीड़ है बहुत ज्यादा। तो देखिए गाइस यहाँ पर भाई आग लग चुकी है इस पेड़ के ऊपर, पीपल का पेड़ है भाई ये कांगड़ा दरबार में। ओ भाई चलो बचाव हो गया भाई। तो गाइस ये मंदिर की बैक साइड है, तो भाई डैड तो दर्शन करके आ चुका है, अंदर चला गया था भाई इधर से, तो देखते हैं हम भी अगर मौका मिला इधर से जाने का। तो इधर देखते हैं भाई अगर जाने दिया अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि साथ में हमारा तो बच्चा भी है जैस्मिन। आ जाओ यार। तो इधर से भाई जा रहे हैं श्रद्धालु कुछ। तो गाइस दर्शन करके आ चुके हैं सभी फैमिली वाले, यहीं से गए थे भाई बैक गेट से, तो भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, देख लो भाई मंदिर। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई हमारे, तो चलते हैं फिर गाइस आगे, उधर देखते हैं भाई आपको उधर दिखाते हैं। तो गाइस सुबह भाई लंगर खाते हैं, वैसे हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी लंगर भी खा लेते हैं भाई, पूरी छोले ये लंगर हाल बना हुआ है यहाँ पर। इधर आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर देखो भाई ध्यानो भक्त का बना हुआ है अंदर, तो सामने माता रानी है। तो भाई ये सच्चा भगत था माता रानी का, इसने भाई शीश रख दिया था अपना काट के माता रानी की चरणों में, तो साबित किया था कि मैं सच्चा भगत हूँ माता रानी का। तो फिर निकलते हैं गाइस, अभी टाइम 10 बज चुके हैं, और देखो भाई कितनी भीड़ अभी अभी भी बहुत टाइम अभी ठीक है 10 बज चुके हैं। डर चले फिर। तो अभी टाइम 10:37 हो चुके हैं, तो निकलते हैं फिर चमुंडा देवी के लिए, इधर से चलते हैं राइट साइड से। जयकारा शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो चमुंडा देवी टेंपल यहाँ से भाई 23 किलोमीटर के आसपास है। तो अपनी गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में, और सामने व्यू चेक करें, और मंदिर बिल्कुल पास ही है, गाड़ी नीचे तक आती है, ये रहा मंदिर। चलते हैं आपको कराते हैं दर्शन माता रानी के। जैस्मिन कहाँ गई यार, दिखाते हैं भाई आपको अंदर से व्यू, और यहाँ पर भाई भीड़ कमी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ चमंडा। तो भाई सभी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और अच्छे से दर्शन हुए सभी सभी के, और यहाँ देख लो भाई इधर व्यू को दिखाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर नहाने के लिए बना हुआ है, स्नान करने के लिए, और उधर रिवर जा रही है, तो चलते हैं आपको इधर से दिखाते हैं पास से। तो देख लो भाई महादेव बैठे हैं बीच में यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। और भाई इधर मौकी घूम रहा है कि ये खतरनाक भाई सबका सामान ले रहा है भाई, डर गया भाई। जैस्मिन क्या लगा आपको, डर लगा?
तो भाई नदी में अचानक बाढ़ आ सकती है, तो इसके पास मत जाएं। तो यहाँ पर खड़े सारे व्यू चेक कर रहे हैं भाई हमारे बंदे, और कुछ वो खड़े हैं ऊपर, देखो भाई टूरिस्ट जो श्रद्धालु माता के आए हुए हैं यहाँ पर, ऊपर खड़े भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं। वहाँ पर चले ऊपर ऊपर, और यहाँ से व्यू चेक करो गाइस पहाड़ों का, वो देखो भाई ऊपर मौसम खराब हो चुका है इधर, बहुत ही प्यारा व्यू भाई यहाँ से, बहुत सुंदर नज़ारा है माता रानी के दरबार से चमंडा से। चलते हैं फिर ऊपर, दिखाते हैं आपको उधर से, और भाई देखो सामने भाई लॉयन खड़ा है भाई, चित्ता। तो यहाँ से चेक करें व्यू गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है नीचे भाई, ऊपर से आ रही है बर्फ़ पिघल के, वो वहाँ से देखो भाई बर्फ़ के पहाड़, और यहाँ से व्यू चेक कर लो भाई सामने माता रानी का मंदिर, और कुछ श्रद्धालु देखो भाई कहाँ खड़े हैं बीच में नदी में, इधर भी खड़े हैं। चलते हैं डाढ़े मोहम्मद नीचे खड़े हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं भाई माता रानी को बाय बाय बोल के फिर आएंगे, और भाई भीड़ देख लो अभी कितनी बढ़ चुकी है, जब हम आए थे तो वहाँ से लगे थे लाइन में, तो अभी देख लो भाई कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर मंदिर में। तो भाई देखो भाई मंदिर का निर्माण शायद भाई दोबारा होगा यहाँ पर, और इस पर भाई इतना खर्चा आने वाला है 102.85 लाख और 51 फुट की इसकी ऊंचाई होगी। ये मंदिर है भाई, इधर से देख लो भाई, तो भाई यहाँ पर भंडारा चल रहा है माता रानी का कड़ी चावल का, खा लेते हैं भाई भंडारा फिर खा के निकलते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है दोपहर का लंच का। तो वैसे अभी गाड़ी पहुँच चुके हैं अपनी पार्किंग में, ठीक है, तो निकलते हैं फिर घर के लिए सीधा, यहाँ से भाई 5 घंटे का रास्ता है, और भाई ऊपर तो इधर मौसम ख़राब है देख लो सामने भाई सीन वादियाँ। फिर बोलते हैं बाय बाय माता रानियों को, फिर आएंगे, वो खड़े हैं बड़े मेम्बर्स। चलिए फिर गाइस धन्यवाद भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो निकलते हैं भाई आगे की ओर अपने घर के लिए आज, तो आज हमारा दूसरा दिन था यहाँ पर, तो सभी के अच्छे दर्शन हो चुके हैं हमारे सबके, तो जा रहे हैं भाई आज घर, ठीक है, और आज जैस्मिन का बर्थडे है भाई, ठीक है, घर पे जाके देखते हैं मनाएंगे जैस्मिन का बर्थडे, तो अगर टाइम पे पहुँच गए तो केक काटेंगे भाई घर पर जाके। चलिए गाइस चलिए, तो गाइस हिमाचली रोड भाई बहुत ही मस्त बने हुए हैं, गाड़ी भाई जा रही है टोपो टोप अपनी, तो ट्रैफिक भी कम है इस रोड के ऊपर, और अभी टाइम देख लो भाई लगेगा अभी 4 घंटे हमें और। तो भाई यहाँ पर सभी सैर करने लग गए हैं, थकावट हो चुकी है सभी मेंबर्स को, डैड वो खड़े हैं और मोमो देखो भाई इधर पड़ी है आराम से पीछे सीट पे, चक्कर चढ़ रहे हैं भाई सबको, और अभी हम तो फिलहाल ठीक हैं, गाड़ी चला रहे हैं भाई आराम से, ड्राइविंग कर रहे हैं। तो जंगल सा बना हुआ है भाई कोई यहाँ पर, ये जंगल के बीच में खड़े हैं। तो वैसे भी टाइम 4 बज चुके हैं, और रोड भाई एकदम आ गए मस्त आ चुका है, प्लेन रोड पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो चुका है, और जैस्मिन हमारी उड़ चुकी है आराम से बैठी है अब तो। तो चलिए फिर आज आगे, तो गाइस यहाँ पर हिमाचल की हद खत्म होती है, तो भाई बाय बाय करते हैं हिमाचल को और निकलते हैं आगे की ओर, और हमने भाई ऊना भी क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं आनंदपुर साहब, तो यहाँ से आनंदपुर साहब होगा 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होगा। तो गाइस बहुत सफ़र तय करके भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया है अभी, और यहाँ पर अभी चाय बन रही है हमारी, तो जुगाड़ में हमारे पास है तो भाई चाय बनाने का सामान, तो चाय बनाते हैं, और जैस्मिन देखो भाई कहाँ बैठ चुकी है, और इधर भाई रोड है अपना जा रहा है, देखो रोड के पास ही गाड़ी लगा रखी है। तो फाइनली अपनी चाय बन चुकी है, तो चाय पीती हैं, और भाई इधर पकोड़े ले रहे हैं भाई, वो क्या ले रहे हैं भाई पकोड़े, इधर भाई पकोड़े खा रहे हैं ब्र, जैस्मिन आओ बेटा चाय पियो, आ जाओ, गंदा रास्ता ना भाई। तो भाई देख लो कहाँ पर पहुँचा दिया भाई पुलिस वालों ने उधर जाम था नग्गल डैम के पास,
तो वो कह रहे हैं अभी इधर से जाओ, तो उधर हमारे 2 घंटे ख़राब होते। तो भाई इधर देखो कच्चा रास्ता है, गाड़ी में जा रहे हैं भाई, 0 की स्पीड है, 0 से 5 की स्पीड है, सीधे नीचे जाना पड़ेगा। तो भाई कहाँ चले गए गाड़ी में लेके? तो भाई आगे चढ़ा चुका है नीचे, देखो और गाड़ी फिर स्लिप होली कैसे करूँ, गाड़ी फिर कोई रुकी फिर आगे नहीं जाएगी, होली होली गाड़ी बीच में जाम होगी फिर। ओ भाई आगे नदी चल रही है, ओहो कहाँ पंगा ले लिया भाई हमने, यहाँ पर फोटो क्लिक की जा रही है, ये सारा डैम का पानी आ रहा है इधर से। ओ भाई देखो भाई नदी बीच बीच जा रहे हैं भाई गाड़ी लेके, ओ भाई ये तो मजा ही आ गया। ये देखो भाई इधर, ये देखो भाई गाइस यहाँ पर तो भाई टोल टैक्स आ चुका है, और देखो भाई कितनी भीड़ है, अभी टाइम नोट कर लेते हैं, 5:47 पे खड़ी है गाड़ी अपनी यहाँ पर। तो भाई टाइम भाई ऊपर हो चुका था, तो गाड़ियाँ हमने भाई ऐसी निकाल ली यहाँ पर बिना लड़े ऐसी, चलो कुछ तो बचा भाई। वैसे भी टाइम 8 बज चुके हैं, और यहाँ से भाई केक लेते हैं जैस्मिन के लिए। तो अभी पहुँच चुके हैं भाई बनूड़, तो यहाँ से केक लेंगे जैस्मिन के लिए। तो भाई केक ले लिया डैड ने, चलें फिर जैस्मिन बेटा चलो घर चलो, अब केक काटेंगे, लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर, जयकारा लगा दो एक बार भाई सभी, जय माता दी माता दी। तो भाई बोल रहा अपना घर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जैस्मिन। एक टूल रही बड़ी बड़ी नानू, अंका खोल ले। I know you told your friend you're not.